चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। दो हजार 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार ने विपक्ष और महागठबंधन को ध्वस्त कर दिया, जिसका जश्न आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार रमेश विधुड़ी की शानदार जीत पर पूर्व डिप्टी मेयर कुलदीप सोलंकी के साधनगर स्थित दफ्तर में जीते जश्न का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधुड़ी की जीत पर पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संजीव सोलंकी जमकर थिरके। इस मौके पर बोलते हुए पूर्व डिप्टी मेयर कुलदीप सोलंकी, सुधीर कुमार श्रीवास्तव व संजीव सोलंकी ने बताया कि विधुड़ी की जीत सही मायने में दक्षिण दिल्ली की जनता की जीत है। देखिए, ये सब एक किसी आदमी को श्रेय देना मैं नहीं समझता इस बात को। मोदी जी का तो बहुत बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि उनको एक एक पॉलिसी जो पब्लिक के लिए लेके आए हैं वो, उसके साथ कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है कि हमारा एक संगठन की एक नीति रही है कि हमें कैसे लोगों तक टच करना है, और उसी हिसाब से हम एक एक व्यक्ति तक जाके उन लोगों को अपनी बात समझाई और जो आगे भविष्य में चीज़ें होने वाली हैं वो लोगों को बताई, उसकी वजह से ही ये इतना बड़ा मार्जिन निकला है। कुलदीप जी, आप खुद पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, क्या कहेंगे, जिस तरह से जीत मिली है लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं साथ के साथ, तो महिलाओं पर, सुरक्षा पर, एम्प्लॉयमेंट की किस तरह से पार्टी आगे बढ़ने वाली है? बिल्कुल, एक एक चीज़ को, एक एक मुद्दे को लेके, अभी आपने सुना होगा, कल परसों में भी सुना होगा, मोदी जी ने 150 दिन का 100 दिन का अपना प्रोग्राम भी तय फिक्स कर दिया है। जैसे ये प्रक्रिया होती है पूरी, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, शपथ का है, सारी चीज़ें हैं, उसके बाद आप देखना एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप, बेरोजगारी को ले लो आप, महिलाओं की सुरक्षा को ले लो। देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से जो हमारे पास पॉपुलेशन के हिसाब से जो फोर्स होनी चाहिए, अभी मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं कमी है, और लोगों में एक अवेयरनेस की, भाई महिलाएं हों या जेंट्स हों या बच्चे हों, अभी सुरक्षा तो सबको ही चाहिए, और उस सुरक्षा को लेके जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, आम आदमी की सोच नहीं बदलेगी, जब तक मेरे ख्याल से सुरक्षा का मतलब अकेले पुलिस ही सब कुछ करे या प्रशासन ही सब कुछ करे वो चीज़ नहीं है, एक मानसिकता बदलनी पड़ेगी लोगों की। करीबन 161 करोड़ लोगों ने मतदान किया, इस बार जो चुनावी समीकरण है, क्या आपको लगता है कि इस बार कोई जाति पाति के आधार पर वोट नहीं डाला गया, किसी धर्म के आधार पर वोट नहीं डाला गया, बल्कि एक सरकार सबने चुनी है? बिल्कुल, हर बिरादरी के लोग जिन्होंने समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को। और एक सबसे बड़ी बात क्या रही है कि मैं अभी पता नहीं 25 चुनाव में काम किया है, खुद भी अपने भी लड़े हैं, 20-25 चुनाव में तो हमने काम किया है, पहला चुनाव यह देखने के को मिला जिसमें कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं, कोई महंगाई का मुद्दा नहीं, पहला चुनाव ये मेरी अब तक की उम्र में ये पहला चुनाव ऐसा आया है, तो लोगों को विश्वास है भाई देश मोदी जी के हाथों में, एनडीए सरकार के हाथों में सुरक्षित है और हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, इसीलिए उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान में भी अपना योगदान दिया और प्रचंड बहुमत मिलाया। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है नरेंद्र मोदी जी को और यहाँ की जनता को, विधुड़ी ने बहुत मेहनत किया, बहुत आगे बढ़े, और बहुत लोगों को अफवाह था कि उन्होंने पूर्वांचल को कुछ बोला है, गाली दिया है, जिसका उन्होंने क्लेरिफिकेशन यहाँ पे सेक्रेटरी को आके साधारण में दे दिया था कि हमने पूर्वांचल को कोई नहीं कुछ नहीं बोला है, पूर्वांचल हमारे भाई हैं। तो मानते हैं कि पूर्वांचल की तरफ से भी भारी वोट मिले हैं? बहुत ज़्यादा वोट मिली पूर्वांचल से यहाँ के, जब उन्होंने कहा कि हमने नहीं बोला है, ये हमारे बदू अफवाह है, उससे बहुत सपोर्ट मिला है उनको। सुधीर जी, आप भी समाज में रहते हैं, लोगों से कंधे मिलाकर चलते हैं, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली है उससे लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं और ज़्यादा हार्ड वर्किंग आने वाले 5 साल में पार्टी को करनी होगी? नहीं, काम तो उससे ज़्यादा करना पड़ेगा, और 2019 नहीं 2024 बीजेपी जीतेगी, इससे अच्छी वोट पर जीतेगी। अब ये वोट क्या है, कांग्रेस और बीजेपी का नहीं, अब तो जनता का है, जनता चाह रही बीजेपी आए और हमारे देश का गौरव पूरे वर्ल्ड में प्रमाणित हो। जी, विनिंग फैक्टर की अगर बात करें तो आपके हिसाब से क्या कुछ ऐसा 5 सालों में रहा जिनकी वजह से इतना बड़ा बहुमत पार्टी को मिला है? देश का विकास बहुत बड़ा मुद्दा था, देश का विकास, और जो मोदी जी ने पाकिस्तान को सबक सिखाया ये बहुत बड़ा फैक्टर था, और सारी जनता इससे बहुत खुश है, चाहे किसी कास्ट की हो। हमारे मोदी जी ने सारे 130 करोड़ जनता को साथ लेकर चला है, ये कभी नहीं बांटा कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, ईसाई है, इसी का नतीजा है कि आज मुसलमानों का वोट मिला है बीजेपी को, 2014 मिला था, इस समय फिर मिला है। बिल्कुल, हमारी मेहनत रंग लाई है और हमें पूरी पूरी उम्मीद थी मोदी सरकार आएगी, और हम सब कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी है,
हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो पहले से ही विश्वास था और हमारे मतलब सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत सपोर्ट किया है और हमें तो पूरा विश्वास था कि हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और जीते भी है। पिछले 5 साल में मोदी जी ने कार्य किए, तभी तो मोदी जी आए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, वहाँ हर घर में शौचालय है और गरीबों को आवास योजना के लिए 2.5 लाख रुपये दिए थे, तो मोदी जी जो आने ही थे। मोदी चुना है, मोदी देश को अच्छा चलाएगा और मोदी से बढ़िया और कोई है नहीं, और मोदी इस देश का लाल है, बढ़िया है। हमने पूरी मेहनत की है और बहुत अच्छे से हमने मेहनत की है और हमें पूरी उम्मीद थी कि मोदी जी आएंगे और हमारे लिए बहुत अच्छे काम किए। मैम, आपकी क्या कुछ योगदान रहा जो चुनाव प्रचार चल रहे थे, किस तरह से आप जुड़ी थी पार्टी के साथ और क्या कुछ मेहनत कर रही थी? मोदी जी पे विश्वास था, हमें बहुत अच्छे मत से जीते हैं मोदी जी, हमें पूरा विश्वास था, हर हर मोदी। ने सबका साथ सबका विकास लेकर वो चले हैं और हमेशा इन्हीं नीतियों को वो सुचारू रूप से लागू रखेंगे और सभी निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, सभी को साथ लेकर चलने वाले सहयोगी व्यक्ति वो रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि गांव गांव का कोना कोना चमकाया है और सबको उनसे उम्मीदें थी और वो उम्मीदों पर बकायदा खरा उतरे हैं। हमारी पार्टी ने बहुत अच्छा योगदान दिया, सबने बहुत अच्छा विकास किया है, मोदी जी ने सबने मिलके चाहा था कि मोदी जी आए और जितना सोचा था उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आया हमारे पास। निखिल के साथ शंभुनाथ गौतम और प्रवीण की रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।